हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाइल्ड मशीन्स। मैं धीरज वशिष्ठ और आज की जो वीडियो होने वाली है वो अपनी किया सोनेट से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ इसकी थर्ड सर्विस कराने। तो अपनी गाड़ी है जो ऑलमोस्ट वो 10,000 के अराउंड किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, सो इसकी थर्ड सर्विस आज कराते हैं और आपको सारी डिटेल्स दूंगा वहाँ जाके कि थर्ड सर्विस में क्या क्या करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी उसकी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अंदर एक बार आपको मैं स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ, गाड़ी क्या ड्रिवन वगैरह हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 37 किलोमीटर दिखा रहा है बस, कि 37 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होनी है। सो गाड़ी ऑलमोस्ट 9,971 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसको ना ज्यादा लेट करते हुए मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ, करता हूँ आपके साथ सारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। पहले मेरे को जाना है ओखला जयंत किया, वहीं से मैं सारी सर्विस कराता आया हूँ इसकी अभी तक। तो हम आ चुके हैं अपने सर्विस सेंटर पे, ओखला वाले पे, जयंत किया वाले पे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भैया ने हमें अंदर वर्कशॉप के अंदर अलाउ किया, अब हम वर्कशॉप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि ये भैया पूरी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं और अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट चेक हो रहे हैं गाड़ी के, कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रॉपरली गाड़ी के। ये देखो ओआरवी वगैरह चेक करते हुए, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कवरिंग कर रहे हैं कार को चारों तरफ से, ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए वर्क करते टाइम। यहाँ पर एयर फिल्टर हमारा क्लीन कर रहे हैं भैया ये, क्योंकि एयर फिल्टर हमारा इसमें चेंज नहीं होता है, सो वो क्लीन करके लगा देते हैं यहाँ पर। अब हमारी गाड़ी अप कर दी गई है हाइड्रोलिक्स पे। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंजन ऑयल कलेक्ट करने के लिए लगाया गया है। यहाँ से अब हमारा इंजन ऑयल ये पुराना वाला निकाल देंगे और नया वाला रिफिल करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये भैया हमारे टायर्स ओपन कर रहे हैं, क्योंकि टायर क्या है ना, मैंने इसमें व्हील अलाइनमेंट वगैरह कराया, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट, सो ये चारों टायर खुल के बैलेंसिंग होंगे और दोबारा से अगले टायर पीछे लगा दिए जाएंगे और पिछले आगे। अब फाइनल स्टेप चल रहा है क्लीनिंग का और गाड़ी फिर इसके बाद हैंडओवर हो जाएगी। तो सर्विस करवा के मैं वापस घर आ चुका हूँ। सर्विस में ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के आसपास टाइम लगा, क्योंकि बारिश हो रही थी, सो वहाँ पे स्पेस होता नहीं है क्लीनिंग के लिए, बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। सो मैं घर आ चुका हूँ, जल्दी से आपको बताता हूँ अंदर चल के कि सर्विस में, इस थर्ड सर्विस में क्या क्या चीज़ें हमारी हुई हैं और क्या कॉस्टिंग पड़ी है अपने को। चलिए बताता हूँ आपको थर्ड सर्विस में, मैं बताता हूँ क्या क्या हमारा हुआ है गाड़ी में। जैसे कि ये मेरे पास बिल है, थर्ड सर्विस के अंदर हमारा बेसिकली इंजन ऑयल चेंज हुआ है और ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, जो कि 10,000 किलोमीटर्स पे होता है हमारा। सो उसके अंदर आपका कोई भी एसी फिल्टर और एयर फिल्टर वगैरह चेंज नहीं होता, ये आपका 20,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में ये सारी चीज़ें चेंज होती है, कूलेंट वगैरह। बाकी इन्होंने इंजन ऑयल और हमारा ऑयल फिल्टर चेंज किया, उसके साथ ही साथ व्हील अलाइनमेंट हुआ है मेरा और व्हील बैलेंसिंग हुई है, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड मुझे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट मेरे को टोटल 1200-1300 रुपए के अराउंड पड़ा है इसमें। और सारी टोटल अगर अमाउंट की मैं बात करूँ तो टोटल फिगर जो हमारी हुई है वो हुई है हमारी 5315 रुपये, GST वगैरह इंक्लूड करने के बाद। तो 5300 रुपये के लमसम मेरी ये सर्विस हुई है, थर्ड सर्विस, जो कि 10,000 इंटरवल के बाद होती है। अपनी थर्ड सर्विस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपको लॉन्च वगैरह मिलता है काफ़ी अच्छा, आप वहाँ पर रेस्ट वगैरह कर सकते हो, बैठ सकते हो, तब तक वेट करना पड़ता है क्योंकि सर्विस में टाइम लगता है। सो ये थी मेरी थर्ड सर्विस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, जो कि किया सोनेट के ओनर्स वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मशीन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।